हिंदुस्तान की बेटियां कब तक मोहताज रहेंगी केवल कुछ पारंपरिक श्लोकों की? हिंदुस्तान की बेटियां कब तक इंतजार करेंगी इस तरह से इंसाफ की? अब हाथरस का मामला सामने आया है, आज हाथरस की निर्भया कहा जा रहा है, लेकिन क्या सिर्फ नामों से, क्या सिर्फ विश्लेषणों से इंसाफ मिलेगा? उनके भाई इस समय हमारे साथ हैं। बॉडी आप लोगों को हैंडओवर की गई है, पोस्टमार्टम हो चुका है? नहीं, पोस्टमार्टम हो चुका है पर बॉडी हमारे हैंडओवर नहीं की गई है। क्या आप लोगों को रिपोर्ट के बारे में कुछ बताया? कुछ नहीं बताया अभी तक। कितने दिन एफआईआर का इंतजार करना पड़ा? एफआईआर का कम से कम 8-10 दिन। क्यों, क्या कहा गया? ये प्रशासन की वो लापरवाही रही वहाँ पे, कह रहे कि जो एक दिन क्या नाम है, हमने नॉर्मली रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके बाद फिर एक को पकड़ लेते थे, एक को छोड़ देते थे, ऐसा कर रहे थे। हमारी समाज के लोग आए वहाँ पे, उन्होंने दबाव डाला, धरना प्रदर्शन करा, एडीएम एसडीएम एसएसपी के यहाँ पे, तब उन्होंने आगे कार्रवाई करी और आरोपी को कम से कम 10 से 12 दिन में पकड़ा गया। अभी कल परसों ही पकड़ा गया है। 10 से 12 दिन का समय लग गया इसमें आरोपी को पकड़ने में। क्यों एक मजाक बन जाता है कानून का, ये समझ नहीं आता। कितने साल की थी बेटी आपकी? बेटी करीब 18 साल की थी बस। किस हालत में मिली थी आप? उस बेहोशी की हालत में मिली। बहुत चोटें आई थी बताया जा रहा है, गर्दन, गला, आंख में खून भी था। ये गला जो दबाया ना उसकी, ये हड्डी और ये यहाँ से हड्डी, ये धड़ जो है उसका काम करना छोड़ दिया, उसी धड़ काम करना बंद कर दिया था। मैं बोलना चाह रहा हूँ, घास लेने गई थी जब, पापा जी नहीं थे वहाँ, मम्मी जी थी, मम्मी जी साथ गए, उन्हें वहाँ पे वो बिना कपड़ों के मिले और उन्होंने अपना पल्लू डाला साड़ी का, उसके बाद उन्हें कपड़े पहनाए गए, तो उन्हीं में से एक जन जाके वहाँ पे हमारे जो बड़े भैया हैं उनको बताया कि आपकी बहन वहाँ पे बेहोश पड़ी है, तो वो ले गए थे सीधे थाने उठा के। जी आप लोग लगे रहे कि बेटी को इस तरीके से कर दिया है, एफआईआर नहीं कर रहा था कोई भी? जी मैम, हाँ, वहाँ से जब बड़े भैया उठा के ले गए हैं तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ एफआईआर SC ST एक्ट लगाया, अटेम्प्ट टू मर्डर, क्योंकि उस टाइम वो बहुत ज़्यादा होपलेस थे और ना उनकी समझ में कुछ आ रहा था। उन्होंने खुद ऑटो बुक किया अपनी तरफ से पैसों से, ना उन्होंने, पुलिस वालों ने भी एम्बुलेंस नहीं मंगाई, जबकि वहाँ पर ज़मीन पर लिटा दिया था दीदी को, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि इन्हें, यहाँ से बड़ी थी वो, जी जी उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि यहाँ से उठा के ले जाओ, ये बहाने बना के लेटी हुई है पुलिस कर्मियों ने। बहाने बनाने की बात की जी, जी ऐसा बोला था उन्होंने, जबकि खून खून था सब नजर आ रहा था। जी 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 जी, जी, जी और दूसरी बात जो हमारे उल्टी भी वही है, 3-4 बागला हॉस्पिटल में 3-4 खून की उल्टी भी वही है। 10-15 दिन तक ब्लीडिंग रुकी नहीं थी। दूसरी बात जो 14 तारीख से 22 तारीख के बाद उन्हें अच्छा इलाज मिलना चालू हुआ, 22 तारीख के बाद, तब जाके उनकी 22 तारीख के बाद ही मेडिकल रिपोर्ट की गई है। 14 तारीख से 22 तारीख तक कोई अच्छा इलाज नहीं दिया, नॉर्मल वार्ड में ऐसे डाल रखा था उन्हें और बहुत ही ज़्यादा लापरवाही बढ़ती जा रही थी, ग्लूकोज की बोतलें चली और नॉर्मल दवाई इलाज बस यही सब कर रहे थे वो लोग। जो लोग हैं अब जाकर पकड़े गए हैं, अब जाकर 4 को पकड़ा है, इंसाफ की उम्मीद है आप लोगों को जिस तरह से जितनी थी? मैं उत्तर प्रदेश सरकार से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी तक ना तो बीजेपी सरकार का किसी ने कुछ बोला है ना, और ना योगी जी ने इस बात पे कुछ भी बोला है। क्या चाहते हैं आप लोग, यहाँ धरने पर बैठे हैं अभी? हमें तो न्याय चाहिए। न्याय में क्या चाहिए? हमें फांसी चाहिए, जैसे मेरे जैसे हाँ जैसे मेरी बेटी की जान गई है, बहुत सी घनघोर का के अपराध और दिल्ली में एक बहुत ज्यादा, जैसे मेरी बेटी के संग में अत्याचार हुआ है उसी तरह उसको फांसी चाहिए।